यूटी जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ में अब लोगों को पेपरलेस और कैशलेस सुविधाएं मिलेंगी। हमने लर्नर लाइसेंसेस के लिए संपर्क रहित आवेदन डीलर स्तर पर तुरंत पंजीकरण प्रक्रिया शामिल की है। अब नए वाहनों का आरटीओ में निरीक्षण भी नहीं होगा। मोटर वाहन विभाग से जुड़े कार्यों को पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभाग की कई ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। श्रीनगर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सेवाओं को शुरू किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और श्रीनगर के दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनेंगे। जम्मू में 600 करोड़ जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 1500 करोड़ की लागत से टर्मिनल का निर्माण होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से शारजा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के जल्द शुरू होने का ऐलान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एयर शो के मद्देनजर डल झील के ऊपर दिन भर वायुसेना के लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। रिहर्सल के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी हैरतअंगेज करतब दिखाए। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा SKICC से शुभारंभ करेंगे। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बना दिया गया है। कठुआ जिले के लोगों को बहुत ही जल्द कैंसर अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। इसकी घोषणा खुद PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करवाए। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में शामिल होने वाली 48 AC बसों में से 20 मिल गई हैं। इनमें 10 जम्मू और 10 कश्मीर संभाग में चलाई जाएंगी। नए रंग और आधुनिक सुविधाओं से लैस बसों को अंतर राज्य और जिला रूट पर चलाया जाएगा। JKSRTC में शामिल सभी नई बसें BS6 मानक की हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को बदलने पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहा है। इसमें अब तक 1.75 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कच्चा माल, श्रम बल, पूंजी और बाजार जैसी 4 ताकतें सबसे ज्यादा जरूरी है। परिसमन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के समर्थक लोगों के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, नेता हो या आम नागरिक। उत्तरी कश्मीर के बातरीना गांव में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। ऑपरेशन का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की क्षेत्र में मौजूदगी के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के करीब पहुंचे, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने अपनी किरकिरी करवा चुके पाकिस्तान को बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है। आज उसे जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर विरोध का कड़वा घूंट पीना पड़ा। दरअसल स्विट्जरलैंड ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें पाकिस्तानी विरोधी नारे लगे और मांग की गई कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा संपन्न होने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिटीजन लाइव समिट को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री ने गरीबी की चुनौती को लेकर भारतीय नागरिकों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराने पर भी बयान दिए।